दोस्तों, अगर हम गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स हो, हर एक तरह के प्लांट लगा रहे, ताकि हमारा गार्डन देखने में सुंदर लगे। आजकल दोस्तों, नर्सरी जाने पे पता चलता है कि कितने महंगे महंगे प्लांट्स हैं जो कि हम चाह कर भी खरीद नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ 25 ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो कि एक ही प्लांट से कई सारे प्लांट बना लेते हैं, बहुत सारे बेबीज निकलते रहते हैं उसमें से, और वो मल्टीप्लाई करके ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। एक बार लाने के बाद, एक प्लांट अगर एक बार हम अपने गार्डन में ला लेते हैं तो उसको दोबारा लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और उससे कई सारे प्लांट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा कि वो कौन कौन से वो 25 प्लांट्स हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ 25 प्लांट्स जो कि मल्टीप्लाई करके ढेरों सारे प्लांट बना लेते हैं, जो कि बगिया को देखने में सुंदर भी लगता है और हमें बार बार नर्सरी भी नहीं जाना पड़ता है। तो पहला प्लांट है दोस्तों, ये हमारा स्नेक प्लांट जो कि एक मल्टीप्लाई प्लांट है और एयर प्योरीफाई प्लांट भी है। ये हवा को शुद्ध रखता है और देखिए, एक ही प्लांट से ये कई सारे प्लांट बन जाते हैं। तो इसके बहुत सारे वैरायटी आती हैं और जितने भी वैरायटी है वो सारे मल्टीप्लाई करके बेबीज निकलते रहते हैं, देखिए नीचे से। और ये छोटे गमले से लेके बड़े गमले में भी लगा सकते हैं, जिससे कि पूरा गमला कवर कर लेता है। और ये इंडोर आउटडोर दोनों है, आप चाहे तो इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं, घर के बाहर भी रख सकते हैं। और इसकी चाहे जितनी वैरायटी लगा ले, आपको एक बार अगर लगा लेते हैं तो इसको दोबारा लाने की जरूरत नहीं पड़ती है अपने गार्डन में। इस इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसको हमें बार बार फेंकना पड़ता है। तो ये स्नेक प्लांट देखने में भी खूबसूरत लगता है और ये हमारे सालों साल चलता जाता है। दूसरा प्लांट है दोस्तों, ये सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम भी पोथोस वैरायटी की है, लेकिन ये इसमें से भी बहुत सारे वैरायटी निकलते रहते हैं और इसे मल्टीप्लाई करके ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। और ये बेल जैसा ऊपर तक चढ़ जाता है, जैसे मनी प्लांट होता है वैसे ही ये छोटे से छोटे कंटेनर, पॉट, डिब्बे सभी में लगा लेते हैं और ये पूरा कवर करके पूरा भर देता है ये प्लांट गमले को, देखिए कितना घना कर दिया है। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम ढेर सारे प्लांट बना लेते हैं और चाहे तो आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाता है। और ये एक बार गार्डन में लाने के बाद आपको दोबारा फिर गार्डन में इसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये भी एयर प्योरीफाई प्लांट है दोस्तों। तीसरा प्लांट है दोस्तों, ये पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट नाम से ही खूबसूरत है, देखिए इसमें पर्पल पत्तियों के साथ साथ बेबी पिंक कलर के इसमें फूल भी खिले हैं जो कि देखने में बहुत प्यारा लगता है। और इसकी छोटी सी छोटी अगर डंटी आपको कहीं मिल जाती है, इसके छोटे से ब्रांच आपको मिल जाते हैं, तो उसी से आपको ढेरों सारे प्लांट बन जाते हैं। तो अगर आपके पास नर्सरी में नहीं जाना हो, कहीं दूसरे जगह से मिल जाती हो तो भी मिट्टी में दबा देंगे तो इससे कई सारे प्लांट बन जाते हैं। और ये हैंगिंग बास्केट का तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और देखिए ये छोटे से छोटे पॉट्स में भी बहुत खूबसूरत लगता है और ये पूरे गमले को कवर कर लेता है। तो चाहे आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर छोटे से डिब्बे में, किसी भी में वो पूरे तरह से कवर कर लेता है। और इसको लगाना बहुत आसान है, इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं और ये बेबीज भी बहुत निकालता है, तो बेबीज से भी हमने बहुत सारे प्लांट बना लेते हैं। देखिए नीचे से कितने सारे ब्रांच निकल रहे हैं। तो पर्पल हाल बहुत ही खूबसूरत प्लांट है दोस्तों, ये इंडोर प्लांट्स है, देखने में बहुत प्यार लगता है और गार्डन में हमारा खूबसूरती बढ़ा देता है। चौथा प्लांट है दोस्तों, ये मैक्सिमम पिटूनिया। मैक्सिमम पिटूनिया में फूल बहुत खूबसूरत आते हैं, इसके बहुत सारे कलर आते हैं और दोस्तों इसको लगाना भी बहुत आसान है। देखिए ये छोटी सी मैंने ये नर्सरी से लाई थी और इससे ये ढेरों सारे बना लिए हैं मैंने, और इसको मैं अभी हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी। तो हैंगिंग बास्केट का भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट है और ये गर्मियों का पिटूनिया कहते हैं। देखिए ये मल्टीप्लाई करके नीचे से ढेर सारे प्लांट बना लेते हैं। तो चाहे तो आप कटिंग करके लगाइए या फिर बेबीज को निकाल के लगाइए, उससे ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। तो ये मैक्सिमम पिटूनिया बहुत खूबसूरत प्लांट होता है समर सीजन का। और देखिए ये बेबीज निकले हैं, तो इसको मैंने रूट के साथ ही निकाल लिया है, तो ऊपर रूट से भी निकाल सकते हैं और इसके ब्रांच को तोड़ के कटिंग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम आसानी से मैक्सिमम पिटूनिया ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों, ये फंक्शनल फर्न, जो कि नाम भी बहुत खूबसूरत है और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियाँ जो होती है बिल्कुल लोमड़ी की पूँछ जैसी होती है, बहुत ही घना लगता है ये। अभी देखिए बारिश का मौसम चल रहा है तो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, लेकिन थोड़े समर सीजन में ये झुलस सा गया था तो ये इसके जो ब्रांच थे वो थोड़े सूख गए थे, लेकिन अभी फिर से हरा भरा हो गया है। तो ये देखने में बहुत प्यारा प्लांट है और ये डिवाइडेड प्लांट है दोस्तों, एक से कई सारे प्लांट बना लेता है।
एक बार अगर हम नर्सरी में से लाते हैं तो इसको दोबारा फिर लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हैंगिंग बास्केट का बहुत प्यारा प्लांट है, तो इसको हैंगिंग बास्केट में लटकते हुए बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट। और अगला प्लांट है दोस्तों ये कलाथिया का प्लांट, जो कि इसकी पत्तियों की जो शाइनिंग होती है वो देखते बनती है। इसमें भी बहुत सारे वैरायटी आती है, और देखिए ये भी प्लांट जो है मल्टीप्लाई करके ढेर सारे प्लांट बना लेता है। इसकी जो पत्तियाँ होती है ऊपर से ये वाइट और ग्रीन के लाइनिंग में होती है, और नीचे ये डार्क पर्पल होती है, देखिए डार्क में होती है, जो कि देखने में बहुत प्यारा लगता है, शाइनिंग करता है, और ये एक से कई सारे प्लांट बना देता है। ये भी एक एयर प्योरीफाई प्लांट है दोस्तों, इसको घर के बिल्कुल इंडोर प्लांट्स है, इसको घर के अंदर रख सकते हैं या फिर किसी शेड के नीचे रख सकते हैं। और ये बहुत महंगे महंगे प्लांट मिलते हैं, ये जो प्लांट होता है बहुत महंगा प्लांट होता है, तो दोस्तों इसको भी एक बार अगर गार्डन में लाते हैं तो फिर दोबारा लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और एक से कई सारे ये प्लांट बना लेता है, तो दोस्तों ये प्लांट ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये हमारा ब्रोकन हार्ट का, जो कि बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियाँ होती है, बीच में इसके जो होल होते हैं वो देखने में बहुत प्यारा लगता है, और ये देखिए ऊपर से रूट तक बना लेते हैं, और ये ऊपर तो रूट बनाते हैं साथ में नीचे से भी बेबीज निकलते रहते हैं बहुत सारे, तो इसको मैंने इसी साल अपने गार्डन में ऐड किया है दोस्तों। और फिर ये देखिए अब थोड़ा एक दो महीने पहले ही इसको ऐड किया है, और ये लंबा हो गया है, और इसमें से भी बेबीज निकलते रहते हैं। जब ये प्लांट बड़ा हो जाता है तो ये पूरा पॉट्स को कवर कर लेता है, इतने सारे इसमें बेबीज निकलते हैं, और देखने में बहुत खूबसूरत प्लांट है दोस्तों। और ये एक मनी प्लांट के वैरायटी का है, जिस तरह मनी प्लांट को बेल जैसे चढ़ाते हैं हम किसी प्लांट पर किसी स्टिक पर, उसी तरह इसे भी हम किसी स्टिक में चढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये छोटे से प्लांट्स में कितने सारे बेबीज निकल रहे हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई करके ढेर सारे प्लांट बना लेते हैं, और ये प्लांट जो होता है बहुत महंगे में आते हैं। तो दोस्तों अगर एक बार आप गार्डन से लाते हैं या फिर कहीं से मिल जाते हैं, इसकी कटिंग भी मिल जाती है, तो भी ये प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है। अगला प्लांट है दोस्तों ये पान का पत्ता, ये पान की बेल जो होती है ये भी मल्टीप्लाई प्लांट करता है, और ये तो बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है, इसे पूजा में भी शामिल किया जाता है, तो ये भी दोस्तों मल्टीप्लाई करके लगाया जाता है, इसमें ढेर सारे बेबीज निकलते रहते हैं, इसको कटिंग से भी हम लगा सकते हैं। इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी खूबसूरत रहती है, ये भी मनी प्लांट की वैरायटी है, जो कि हम किसी स्टिक में इसको चढ़ा देते हैं और ये बहुत आसानी से चढ़ जाता है, और इस तरह से हम अगर तोड़ के इसको हल्की सी भी मिट्टी में दबा देते हैं तो ये ढेरों प्लांट बना लेते हैं, और साथ में नीचे से ये मल्टीप्लाई करते रहता है, ढेर सारे प्लांट बेबीज निकलते रहते हैं, डिवाइड करके इसको हम ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो ये पान का पत्ता ज़रूर घर में रखना चाहिए, बहुत ही शुभ प्लांट है दोस्तों पान की बेल। और यहाँ पर देखिए उसी की कटिंग मैंने ये लगाया था, और इसको मैंने एक स्टिक के सहारे चढ़ा दिया है, ये लग गया है और ये बिल्कुल सीधे सीधे चढ़ जाएगा इस पर, तो पान की बेल ज़रूर लगाएं। अगला प्लांट है दोस्तों ये टर्टल हार्ट, टर्टल हार्ट बहुत खूबसूरत हैंगिंग बास्केट का प्लांट है, जो कि तुरंत लगने में आसानी होती है, इसको अगर फेंक भी देते हैं तो भी लग जाता है, और ये बहुत सारे बेबीज निकालते रहता है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये मनी प्लांट, मनी प्लांट तो सबको ही घर में रखता है, चाहे कोई गार्डनिंग का शौक रखता हो या ना रखता हो, फिर भी सभी कोई रखता है, इसमें के बहुत सारी वैरायटी आती है, और ये इसको एक बार हम ला रहे हैं तो उसी ये जंगल सा लुक बन जाता है, इतने सारे इसमें बेबीज निकलते रहते हैं, और ये बेबीज निकलने के साथ साथ बहुत ही घना हो जाता है, और ये बहुत लंबाई तक अगर ऊँचाई तक इसको चढ़ा रहे हैं तो बहुत दूर तक ये चढ़ जाता है। मनी प्लांट बहुत शुभ और एयर प्योरीफाई प्लांट होता है दोस्तों, तो ये प्लांट ज़रूर अपने घर में रखें, क्योंकि ये धन वैभव का बहुत अच्छा प्रतीक है, इसे घर में सुख शांति भी बनी रहती है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, तो इसको बार बार आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर गार्डन से ला रहे हैं या फिर कहीं से चोरी से करके लगा रहे हैं तो भी ये प्लांट आपके घर में हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ढेर सारे लगा दिए हैं, बेबीज ही लगाई हैं मैंने, एक प्लांट से कई सारे प्लांट बन गए हैं, और सबको मैंने स्टिक पर ऐसे चढ़ा दिया है, तो आप स्टिक में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों ये स्पाइडर प्लांट, स्पाइडर प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, इसकी जो पत्तियों का शेप होता है वो बहुत खूबसूरत रहता है, और नीचे से ये इतने सारे बेबीज निकालते हैं कि आपको एक दो महीने में ये पूरा पॉट भर जाता है, और ये देखिए ऐसे लंबे लंबे से इसमें रनल्स निकलते रहते हैं, इसमें से भी अगर हम इसको तोड़ के लगा देते हैं तो भी ये प्लांट लग जाता है, और ये हैंगिंग बास्केट का बहुत प्यारा प्लांट है दोस्तों, तो इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए और एक से ढेरों सारे प्लांट बना दीजिए, और देखिए यहाँ रनल्स कितने निकलते हैं, इसमें व्हाइट कलर के धीरे धीरे से फूल छोटे छोटे से निकलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ये लगाया है, इसको बेबीज निकले थे तो इसमें से लगा दिया है मैंने ढेर सारे प्लांट, तो ये बहुत सारे हो गए हैं, और ये हैंगिंग बास्केट में खूबसूरत लग रहा है, इसको गमले में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं,
यहाँ देखिए गमले में मैंने लगाया है और कितने सारे इसमें से निकले हुए हैं। तो इस तरह के जो प्लांट बन जाते हैं तो नीचे से ऐसे तोड़ के हम कहीं भी मिट्टी में दबा देते हैं तो आसानी से ये लग जाते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों हमारा एस्पेरिगस का प्लांट, जो कि ये भी बहुत ही खूबसूरत ग्रीन ग्रीन सा लुक देता है और ये बिल्कुल घास जैसा होता है, लंबे लंबे ब्रांच होते हैं इसके और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये हैंगिंग बास्केट में मैंने लगाया है और ये पूरा मेरा हैंगिंग बास्केट भर गया है। इसको मल्टीप्लाई करके ढेर सारे हम प्लांट बना सकते हैं क्योंकि इसके इतने ज़्यादा बेबीज निकलते रहते हैं छोटे छोटे से, जिससे कि ढेरों सारे प्लांट बन जाते हैं और ये ग्रीन ग्रीन सा लुक बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए छोटे से छोटे पॉट में मैंने इसको डिवाइड किया है और डिवाइड करके ढेर सारे प्लांट बना लिए हैं। तो एक बार अपने गार्डन में ऐड कीजिए और ढेर सारे प्लांट बना लीजिए, छोटे से छोटे पॉट्स में भी लग जाते हैं और इसको हैंगिंग बास्केट में भी लटका के बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो बारिश के दिनों में इसे ढेर सारे प्लांट अभी बना लीजिए हैं। और अगला प्लांट है दोस्तों ये कोलियस का प्लांट। कोलियस के बहुत सारे वैरायटी आते हैं, इसकी पत्तियाँ इतनी कलरफुल होती है कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। जहाँ अगर इसके 3-4 प्लांट हम अगर रख देते हैं अपने गार्डन में तो फूलों की कमी बहुत हद तक कम हो जाती है। और लगाना इसको इतना आसान है, आप चाहे तो इसे डिवाइड करके लगाइए क्योंकि एक बार अगर हम कोई भी इसके कलर लाते हैं तो उसके बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। तो चाहे डिवाइड करके लगाइए या फिर कटिंग करके लगाइए, किसी तरह भी इसको अगर लगा रहे हैं तो ये ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कई सारे प्लांट इस तरह डिवाइड करके और कटिंग करके लगा दिए हैं। और अगला प्लांट है दोस्तों ये वोट लिली का रियू प्लांट, जो कि इसकी पत्तियाँ देखने में बहुत खूबसूरत होती है। ये दो वैरायटी में आती है, ये लंबे पत्तियों वाला मेरे पास है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसके भी बहुत सारे बेबीज निकलते रहते हैं और एक बार अगर गार्डन में हम ऐड कर रहे हैं तो इसको दोबारा लाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए कितने सारे बेबीज यहाँ निकलते हैं और इससे मैंने कई सारे प्लांट बनाए हैं। तो बहुत सारे गमले में लगाया है इसको और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, नीचे से डार्क पर्पल और ऊपर से ग्रीन ग्रीन सा, जो कि अगर हम इसको किसी हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं या फिर छोटे से पॉट्स में भी लगा देते हैं तो ये ढेर सारे प्लांट बना लेता है मल्टीप्लाई करके। तो अभी बारिश के दिनों में भी ये बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। ये देखिए कितने छोटे छोटे से, तो आप इसको कप में भी, मैंने कप में भी लगाया है, जो इतने बड़े ब्रांच इसके होते हैं फिर भी कप में ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो छोटे से कप में भी लगा सकते हैं, बड़े से पॉट्स में भी लगा सकते हैं, किसी बोतल में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इतने सारे मल्टीप्लाई करता है कि कोई भी चीज़ में लगाएंगे तो वहाँ से ये पूरा कवर कर लेता है। अगला प्लांट है दोस्तों ये बैकबोन का प्लांट, जो कि बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है और ये मल्टीप्लाई करके ढेर सारे प्लांट बना लेता है। इसको कटिंग से लगाना तो आसान होता ही है, साथ में ये बेबीज भी बहुत सारे निकलता है जिससे कि ढेर सारे प्लांट बन जाता है और ये एक एयर प्यूरीफाई प्लांट है। तो एक बार इसको गार्डन में ला रहे हैं तो इसको फिर कभी आपको दोबारा गार्डन में लाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि एक ही प्लांट से कितने सारे प्लांट ये बना लेता है और इसकी पत्तियों में देखिए कितनी शाइनिंग है। तो ये प्लांट बहुत अच्छा है, तो दोस्तों छोटे से छोटे कंटेनर में, पॉट में, डिब्बे में आसानी से ये लग जाते हैं। तो इसको अपने गार्डन में ऐड कीजिए और ढेर सारे प्लांट बना के बहुत सारे प्लांट बना लीजिए और अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाइए। अगला प्लांट है दोस्तों ये हमारा रजनीगंधा का प्लांट। रजनीगंधा का प्लांट अभी बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग करता है, जो कि खुशबूदार होता है, बहुत खुशबू देता है। और एक बार इसके बल्ब्स लगते हैं और इसके एक बार बल्ब्स लगा लेने के बाद इसके ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं, ढेर सारे बल्ब्स इसके नीचे से बन जाते हैं जिसको हम कई सारे प्लांट बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है और इसमें हमारा फूल भी खिलने लगा है। तो इस तरह के फ्लावर खिलते हैं, एक स्टिक रहता है उसमें से निकलते हैं और ढेर सारे प्लांट इसमें से बन के और ढेर सारे स्टिक ऐसे निकलते हैं उसमें से इस तरह के फ्लावर खिलते हैं। तो रजनीगंधा के प्लांट को भी एक बार लाने के बाद फिर दोबारा कभी अपने गार्डन में लाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये हमेशा डिवाइड करके ढेर सारे प्लांट बनाए जाते हैं और एक से कई सारे देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं, अब ये फूल खिलने की बारी आ गई है। अगला प्लांट है दोस्तों ये अमेरला लिली। ये देसी अमेरला लिली है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर होते हैं और ये हाइब्रिड वैरायटी में बहुत सारे आते हैं। तो ये भी डिवाइड होकर बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं, देखिए कितने सारे हो गए हैं। अभी इसमें फ्लावर नहीं खिला हुआ है, इसमें फरवरी मार्च अप्रैल तक इसमें फ्लावरिंग होता है, उसके बाद ये फ्लावरिंग बंद कर देता है। वैसे इसकी खूबसूरती हरियाली बनी रहती है और
तीसरा और अगला प्लांट है दोस्तों, ये 20 लीली का प्लांट, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये एक ईयर प्यूरिफाई प्लांट है, इसको भी एक एक प्लांट हम लगाते हैं तो इससे कई सारे प्लांट बन जाते हैं। बहुत सारे इसमें से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं जिसे कि डिवाइड करके हम ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं। और इसके जो फूल खिलते हैं व्हाइट कलर के, वो तो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत। ये थोड़े सेंसिटिव प्लांट है दोस्तों, क्योंकि इसको ज्यादा अगर पानी हम देते हैं तो ये गलने लगता है। तो इसको बिल्कुल इंडोर प्लांट है और पानी भी कम देना है, तो इसको हमेशा ऐसी जगह रखें जहाँ हल्की हल्की धूप लगे, इसको बहुत तेज धूप भी इसको बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये प्लांट भी डिवाइडेड प्लांट है, इससे कई सारे हम प्लांट बना सकते हैं। और अगला प्लांट है दोस्तों, ये मेडिसिन प्लांट है एलोवेरा का। एलोवेरा एक मेडिसिन प्लांट है और ये सिस्टम प्लांट भी माना जाता है। तो इसको भी ये भी बहुत सारे इसमें से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं जिससे कि ढेर सारे प्लांट बनाए जाते हैं। मैंने इसके कई सारे डिवाइड किया था और इसमें कई सारे प्लांट बनाए हैं। और देखिए ये छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत आसानी से चल जाता है और इसका बहुत बड़ा प्लांट हो जाता है, बहुत घना हो जाता है। और इसको कई सारे बीमारियों में यूज किया जाता है, जैसे स्किन एलर्जी हो उसमें भी यूज किया जाता है, पेट की बीमारी हो उसमें भी इसे यूज किया जाता है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मेडिसिन प्लांट है, इसे जरूर अपने घर में रखें। इस तरह दोस्तों मैंने आप लोग के साथ 25 प्लांट शेयर किया है और ये सारे प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। अगर ये सारे प्लांट्स के कुछ ज़्यादातर प्लांट हमारे बना ले तो ढेर सारे प्लांट हमारे गार्डन में बन जाते हैं, जिससे कि हमारा गार्डन तो सुंदर लगता है, ये साथ में वहाँ का वातावरण भी शुद्ध और रोमांचित लगता है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।